नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। प्रदेश में मानसून से नुकसान का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 177 करोड़ रुपए। आपदा प्रबंध विभाग ने राज्य सरकार को नुकसान की भेजी है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी को झेलना पड़ा है बड़ा नुकसान। पीडब्ल्यूडी को 106 करोड़ रुपए का अभी तक हो चुका है नुकसान। नुकसान में दूसरे नंबर पर है जल शक्ति विभाग। जल शक्ति विभाग को 67 करोड़ रुपए का अभी तक झेलना पड़ा है नुकसान। साथ ही प्रदेश में अन्य जगहों पर भी झेलना पड़ा है बड़ा नुकसान। प्रदेश भर में अभी भी 8 सड़कें हैं बाधित। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से दिल्ली हो गए रवाना। सीएम सुक्खू कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने दिया बयान कि प्रधानमंत्री के समक्ष उठाए जाएंगे हिमाचल के कई मसले। उपचुनाव में मिली जीत पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया बयान कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर जताया विश्वास और बड़े अच्छे मार्जिन से देहरा व नालागढ़ जीते हैं दो सीटें। देहरा से बड़े अंतर से जीती है मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से हो गया है फेल। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से है नकार दिया। हिमाचल के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर दर्ज की है जीत, जबकि बीजेपी को मिल सकी है 1 ही सीट। इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में शीर्ष नेतृत्व की ओर से अनुराग ठाकुर को दी गई हमीरपुर की जिम्मेदारी, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को दी गई नालागढ़ की जिम्मेदारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को सौंपी गई थी देहरा की जिम्मेदारी। इन 3 सीटों पर सिर्फ अनुराग ठाकुर की जिम्मेदारी वाली हमीरपुर सीट ही भाजपा को मिली है जीत। हिमाचल में दोनों ही उपचुनाव के नतीजे अपेक्षा के अनुसार नहीं रहने पर भाजपा में हो सकता है बदलाव। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बुलाई जा रही है बैठक। इसमें कई विषयों पर हो सकती है चर्चा। केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात पर ले सकता है कड़ा संज्ञान। लोकसभा चुनाव 2024 में हिमाचल के 4 संसदीय क्षेत्र में हुई कांग्रेस की हार के कारणों पर मंथन के लिए प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में सोमवार सुबह शुरू हुई समीक्षा बैठक। पार्टी हाईकमान की ओर से भेजी कमेटी के सदस्य रजनी पाटिल और पीएल पुनिया बैठक के लिए पहुंचे। पार्टी मुख्यालय दिल्ली वापस जाकर हाईकमान को इस संदर्भ में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार से अब नहीं मिल रहा है फंड। इस कारण कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर होने वाले शोध कार्य पड़ गए हैं धीमे। हालांकि कृषि विभाग की ओर से आत्मा प्रोजेक्ट के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती की दी जा रही है जानकारी, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को शोध कार्यों से मिलने वाला फायदा अब किसानों तक पहुंचना हो गया मुश्किल। हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक तौर पर सेब सीजन 15 जुलाई से हो गया शुरू। हर वर्ष इस समय तक फल मंडियों में बेहतर गुणवत्ता वाले सेब की पहुंचनी शुरू हो जाती है खेप, लेकिन इस वर्ष अभी तक मंडी में नहीं पहुंची है बेहतर गुणवत्ता वाली पैदावार। कुल्लू जिले के पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण 3 के सिउंड बांध के गेट खुलते ही अब लार्जी तक बजेगा हूटर। परियोजना प्रबंधन ने अर्ली वार्निंग अलर्ट सिस्टम लगाने की कर ली है तैयारी। 1,16,00,000 रुपए की लागत से लगेगा यह सिस्टम। बीते साल जुलाई में पिन पार्वती नदी में आई बाढ़ के 1 साल बाद परियोजना प्रबंधन ने अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की शुरू की कवायद। हिमाचल में मानसून पड़ गया कमजोर। मौजूदा मानसून सीजन में नॉर्मल से 35% और बीते एक सप्ताह के दौरान 78% कम बरसे हैं बादल। कई क्षेत्रों में मानसून सीजन में भी सूखे जैसे बनने लगे हालात। आज और कल भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश का है पूर्वानुमान। ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम रहेगा साफ। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।